हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एचटेट, सीटेट, नेट या किसी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट ज्योग्राफी के एग्जाम में 2004 से और 2011 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो में आप 2012 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, नेट ज्योग्राफी का एग्ज़ाम, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख सकते हैं। ये सेकंड पेपर है और इसका जो थर्ड पेपर था वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अपरदन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, नदी अपरदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल उत्तरदायी है? तो वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए ज्वारीय बल उत्तरदायी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्थलाकृतियाँ दी हुई है तो बताना है कौन सी स्थलाकृति है, वो किस तरह की होती है। सूची एक को दो से सुमेलित करना है। जो केटिल होता है वो क्या होता है? प्राय हिमोड पट्टी के साथ स्थित गहन गर्त, तो ए है वो फोर से संबंधित है। टार्न, टार्न क्या होता है? सर्क पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर। जो एक स्थलाकृति बनती है सर्क, उसके ऊपर ही जब एक बर्फ के पिघलने से सरोवर बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? टार्न। नेक्स्ट है एस्कर, एस्कर क्या होता है? निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक, उसको एस्कर कहा जाता है, जो कि देखने में क्या माला के आकार के दिखाई देते हैं कई बार। ड्रमलिन क्या होता है? हिम गोलाश्म मृतिका की अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पहाड़ी, जो कि एक अंडाकार आकृति दिखाई देती है वो क्या होती है? ड्रमलिन। नेक्स्ट है, विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है, तो ये है नवजीव महाकल्प युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी स्थलाकृतियाँ दी हुई है, बताना है स्थलाकृति, इसमें नदी दी हुई है, बताना है कौन सी नदी है, उसकी सहायक नदी कौन सी है। तो इसमें कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्षोभ मंडल में वायु में गति निम्नलिखित के द्वारा होती है, तो ये होती है संवहन धारा के द्वारा। नेक्स्ट है, वायु दाब के माप की इकाई है तो ये है हेक्टा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दी हुई है, बताना है कौन सा किससे संबंधित है, तो जो फेरल सेल है ये है पश्चिमी पवन से संबंधित, हेडली सेल ये है व्यापारिक वायु, पोलर सेल है यह है पूर्वी पवन से संबंधित, और अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र निर्वात प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है, तो इसमें से जो अपक्षरण है वो ऊर्जा स्थानांतरण की क्रियाविधि नहीं है, बाकी चालन, अभिवहन और विकिरण ये सभी ऊर्जा स्थानांतरण की क्रियाविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है कि इनमें से कौन सी सही है या दोनों ही सही है। इसमें जो कथन है, स्थिर वायु ऊर्ध्वाकार संचलन को रोकती है और अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण अपने आप ही ऊपर चढ़ती है, तो ये क्या है? सही है। कारण दिया हुआ है, जब स्थिर वायु पर ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है तो बादल बनते हैं, वे व्यापक होते हैं और उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है, तो जो आर है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम है, तो ये धारा है हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट है, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है, ये होता है ज्वारीय रेंज। पौधों एवं पशुओं का ग्रामीण किस युग में प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि कौन सा युगम है, ये सुमेलित नहीं है, तो जो स्वपोषी होते हैं वो अजैव स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसे ऊर्जा संपन्न जैव मिश्रण में जमा देते हैं। जो विषम पोषी होते हैं वो जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जो शाकाहारी है जो वो जीव जो पौधे तथा पशुओं का भोग करते हैं, तो जो
ये सी है, ये क्या है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं वो पशुओं का भोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, जो मृत भक्षी है वो मृत जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये सुमेलित है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट है, समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है, वो होता है निमगन द्वीप। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक तरफ ऑथर दिए हुए हैं, एक तरफ बुक्स के नाम दिए हुए हैं, तो इसमें जो सी है वो सुमेलित नहीं है। तो बाकी के जो तीन है आप उनको याद कर लो, हो सकता है एग्जाम में ये दोबारा से क्वेश्चन है इनमें से पूछा जाए। तो पी हैगेट, इसने लिखी है ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथिसिस। पी ई जेम्स, इसने लिखी है ऑल पॉसिबल वर्ड्स। एबलर एडम्स एवं गुल्ड, इन्होंने लिखी है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो बी है वो सही नहीं है, बाकी के तीनों सही है। जो क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा है वो वर्णनात्मक उपागम से संबंधित है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के प्रतिपादक रिचर्ड हार्टशोन थे, और क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा कोरोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है, यह कथन निम्नलिखित की अवधारणा से संबंधित है। तो ये है संभववाद की अवधारणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया है। तो ये दिया है कर्क ने। नेक्स्ट है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है, ये किया है बैरोज ने। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई, तो ये की गई है दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है, जिस दौरान निम्न प्रजनन एवं निम्न मृत्यु दर रहती है, तो यह है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है, तो वो कारक है बेरोजगारी। नेक्स्ट है, वायु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है, ये संकेत करती है वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों को जो अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत में प्रशासनिक नियम का क्या संकेत करता है, वो है के इक्वल टू 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे। नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र क्या कहलाता है, वो कहलाता है फसल गहनता। न्यूनतम लागत अवस्थिति के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था, ये रखा था वेबर ने। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरों के उपांत में सब्जियों फलों और फूलों की गहन खेती कहलाती है, ये कहलाती है ट्रक फार्मिंग। जापान में इस्पात मिले तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती है, इसका कारण है आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये है कान, बाकी नेत्र, नासिका और केस, इनके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दी हुई है जिनको कि सुमेलित करना है। तो जो खिरगिज होते हैं वो कहाँ होते हैं, सेंट्रल एशिया में, याकूत साइबेरिया में, लैप्स स्कैंडिनेविया में, और एस्किमो है वो कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के बारे में सत्य नहीं है, तो इसमें जो बी है वो सत्य नहीं है, बाकी राज्य के बारे में क्या सत्य है, उसका प्रादेशिक आधार है, वह आंतरिक प्रभुसत्ता संपन्न होता है, वह बाह्य संबंधों से प्रभुसत्ता संपन्न होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ कुल की नहीं है, तो इसमें जो सिंगली है वो द्रविड़ कुल की नहीं है, बाकी ब्राहुई, कन्नड़ और मलयालम, ये सभी द्रविड़ कुल की है। टोडा जनजाति का आवास है, तो ये जनजाति पाई जाती है नीलगिरी श्रेणी में। नेक्स्ट है, देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो सी है, वुडविल ने परिवहन मॉडल दिया, ये गलत है,
बाकी के जो तीन हैं वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है? ये दिया है फ्रीडमैन ने। नेक्स्ट है, रोस्टोव के मॉडल के अनुसार आर्थिक संवृद्धि की अवस्थाओं का कौन सा अनुक्रम निम्नलिखित में सही है? तो इसमें जो बी है वो सही है, पारस्परिक समाज, उत्प्रस्थान, परिपक्वता की ओर, अधिक जन उपभोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आकारी समांगी क्षेत्र है? तो ये है असोम घाटी। 2001 से 2011 के बीच लिंग अनुपात में 5 से 10 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची दी हुई है जिनको कि सुमेलित करना है। तो जो तांबा है वो कहाँ मिलता है? खेतड़ी में। लो एस्क है वो मिलता है कुद्रेमुख में। जो मैग्नीज है वो मिलता है बालाघाट में। और जो अभ्रक है वो मिलता है कोडरमा में। ये इनके खनन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, भारत में मैनग्रोव निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? तो यह है ज्वारीय वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो टीटलागढ़ में रेलवे उपकरण बनते हैं, ये सही नहीं है। बाकी जो विशाखापट्टनम है इसमें जहाज निर्माण होता है, भद्रावती में लोह एवं इस्पात, पिंजौर में मशीन और औजार। नेक्स्ट है, अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि किस दशक में हुई? ये हुई थी 1971 से 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती वितरण दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है आयत चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ज्योमितीय माध्य का। निम्नलिखित आर एन मूल्यों में से कौन सा बिंदु वितरण का यादृच्छिक प्रतिरूप दर्शाता है? ये दर्शाता है 1.0। विविध भौगोलिक विशेषताओं से युक्त क्षेत्र की प्रतिनिधि गांव के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक कौन सी है? यह है स्थिरित यादृच्छिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है सम्मान में। ये 2012 का नेट ज्योग्राफी का सेकंड पेपर है। इसका जो थर्ड पेपर है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई सजेशन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप HTET, CTET, NET या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।